हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसमें से कुछ आर्टिकल्स को हमने यहाँ कवर किया था, जिसमें हमने ये देखा कि जो आर्टिकल 63 है वो ये कहता है कि यहाँ पर भारत में हमारे संविधान के हिसाब से यहाँ एक वाइस प्रेसिडेंट की भी नियुक्ति की जाती है, यानी कि उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति की जाती है। क्या टाइम पीरियड और टेन्योर होता है इनका, ये हमने देखा। क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्या एज की ज़रूरत होती है, और बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी हमने कवर किया। अब हम आज की हमारी इस वीडियो में आर्टिकल 69 से लेकर आर्टिकल 73 के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इन आर्टिकल्स में क्या डिस्क्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिले। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। आर्टिकल 69, ओथ और एफर्मेशंस बाय द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि आर्टिकल 69 हमें इस बारे में बताता है कि किस तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर ओथ लेते हैं, यानी कि उनका शपथ ग्रहण होता है। तो किसकी प्रेजेंस में ये शपथ लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल 69 बताता है। एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बाय हिम एंड ओथ और एफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर नियुक्त होने से पहले यहाँ पर शपथ लेते हैं। वो प्रेसिडेंट से पहले उन्हें शपथ दिलाई जाती है। दूसरी बात यह है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस में यहाँ पर वो शपथ लेते हैं, और उनकी शपथ का भी एक अलग कॉन्टेंट होता है जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will discharge the duty upon which I am about to enter. तो इस तरह की जो oath होती है ये दिलाई जाती है। इसके बाद आता है Article 70. Article 70 क्या कहता है? Article 70 कहता है discharge of President's functions in other constituency. Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of president. यानी कि president के function से उन्हें discharge करने का जो भी authority है ये parliament के हाथ में होती है। दूसरी बात ये है कि इसके बारे में अलग से एक प्रावधान बनाया गया है। Article 71 क्या कहता है? Article 71 कहता है matters relating to or connected with the elections of a president or a vice president. यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में ये हमें बताता है आर्टिकल 71। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इनक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। यानी कि किसी भी तरीके से अगर चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी यहाँ पर मैटर या इशू अगर होता है या फिर इससे कनेक्टेड कोई इशू होता है तो उसे रिजॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उसे रिजॉल्व करती है। उस डाउट को या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। और वट एवर द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है वही फाइनल डिसीजन माना जाता है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, act done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of the president or vice president as the case may be on before the date of decisions of supreme court shall not be invalidated by reason of that declaration. yani ki kisi karanvash jo election hai president ya vice president ke use void declare kar diya jata hai supreme court dwara, to jab tak yahan par supreme court ka nirnay nahi aata, supreme court ka decision nahi aata, तो पावर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी कुछ वैसी की वैसे ही रहेंगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा वही फाइनली डिक्लेयर्ड होता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई प्रावधान है जो कि संविधान में ही लिखा हुआ है तो वो पार्लियामेंट रेगुलेट करती है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई मैटर भी है तो उसको भी पार्लियामेंट में ही सुलझाया जाता है। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर वॉट एवर रीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग होम। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसे यहाँ पार्लियामेंट में ही रिजोल्व करते हैं पहली बार। दूसरी बात, जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है वो भी क्या है, पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं, तो इस इशू को वही लोग रिजोल्व करेंगे जिन्होंने इलेक्ट किया है वो भी, और द मेन बोथ द हाउसेस ऑफ द मेंबर्स, कहते हैं ना मेजोरिटी होनी चाहिए हाउसेस की, तो अगर यहाँ से कोई इशू रिलेट करता है तो उसे पार्लियामेंट द्वारा ही रिजोल्व करा जाता है। आर्टिकल 72 क्या कहता है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कि क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा मोस्टली दिया जाता है, तो निर्णय भी यहाँ फाइनल हम राष्ट्रपति का ही मानते हैं। तो आर्टिकल 72 भी इसके बारे में बताता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रेस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो अगर चाहें तो किसी को वो क्षमादान भी दे सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं कि अगर किसी को वो यहाँ मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, किसी की पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं कानून के नियमों के अनुसार। इन ऑल द केसेज वेयर द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, और ये उन्हीं केसेज में अगर यहाँ पर कोर्ट द्वारा पनिशमेंट दी गई है तो, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। अगर केंद्र द्वारा कुछ दी गई है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, उस केस में भी जब यहाँ मृत्युदंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है तो उसे या तो वो क्षमादान में बदल सकते हैं या फिर उसे मोहर लगा के उसे कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। वाइस प्रेसिडेंट की इसमें सलाह होती है, इसीलिए इसे आर्टिकल 72 में डाला गया। आर्टिकल 73 क्या कहता है, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। यानी कि जो यूनियन है उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सटेंड किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, आर्टिकल 73 इसके बारे में बताता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच। यानी कि यहाँ पर यूनियन केंद्र के क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, टू द मैटर्स विच रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। सबसे पहले तो ये कि पार्लियामेंट के पास कुछ नए कानून बनाने का भी अधिकार होता है। टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शंस एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और अग्रीमेंट। किसी तरह की कोई संधि, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन करने का भी अधिकार यहाँ पर यूनियन के पास होता है। अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट अ स्टेट एंड एनी ऑफिसर्स और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट्स में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इन मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉस। यानी कि इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कानून बना ले या फिर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन कर दे। ये केवल और केवल यूनियन को ही अधिकार है। तो यूनियन, केंद्र, पार्लियामेंट यही सब ये चेंजेस कर सकते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट में चेंज करने का अधिकार भी यहाँ यूनियन के पास या पार्लियामेंट के पास होता है। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैन वाइस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल तक ही रखा जा सकता है उनकी पोस्ट पर, इसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म 5 ईयर। यानी अगर उन्हें 5 साल हो गए हैं तो क्या उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, तो जवाब है बिल्कुल सही,
अगर 5 ईयर्स पूरे हो गए, क्योंकि 10 ईयर 5 ईयर्स का ही होता है वाइस प्रेसिडेंट का भी, लेकिन उन्हें तब तक उनकी पोजीशन पर रहना होता है जब तक कि कोई नया अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, कोई न्यू वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होते, तब तक उन्हें उनकी पोजीशन पर ही रहना होता है। कई बार उन्हें ही वापस से वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी तरीके से अपनी पोस्ट पर नहीं है, किसी वजह से उनकी सीट वैकेंट हो जाती है उनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले, तो उनकी ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस मैटर। यानी कि इससे रिलेटेड हमारे संविधान में अभी तक कोई भी कानून नहीं कि जैसे कि हमने कहा था कि भाई अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपनी पोजिशन पर नहीं है, या तो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी भी कारण से उन्हें पद छोड़ना पड़ता है या उन्हें हटा दिया जाता है, उस कंडीशन में उनकी ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन निभाता है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट के साथ सेम कंडीशन होती है तो उनकी पोजीशन या ड्यूटीज कौन फॉलो करेगा? तो ऐसा संविधान में कोई भी अभी तक नियम नहीं है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये कहा गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वैकेंट हो जाती है और उस वक्त नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करेगा। तो अगर वो प्रेसिडेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर उस वक्त कौन काम करेगा? तो इस पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हु परफॉर्म्स द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस एज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, when a vacancy occurs in the office of the Vice President of India. यानी कि who performs the Vice President functions as a chairperson of the Council of States? राज्यसभा में as a chairperson Vice President work करते हैं, तो उनकी vacancy, उनकी position पे कौन work करेगा? तो Deputy Chairperson। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को वहाँ पर वो पूरा अधिकार होता है, chairperson बोला जाता है उन्हें Council of States का, राज्यसभा का। लेकिन जब वो नहीं है उस पद पर किसी कारणवश, तो जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है राज्यसभा का और एनी अदर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर डेप्यूटी चेयरपर्सन भी नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिस किसी भी मेंबर को अगर ऑथराइज किया जाएगा तो वो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर सकते हैं। सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज रोल्स एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रोल्स के लिए क्या सैलरी अपॉइंट की गई है? सो नो सैलरी फॉर द रोल्स एज वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी इज फॉर द रोल एज एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। यानी कि यहाँ पर रोल एज अ वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई सैलरी ऐसी फिक्स नहीं रखी गई है, बल्कि सैलरी किसके रोल के लिए यहाँ पर होती है? एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए सैलरी होती है, पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं। सैलरी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज रोल्स एज एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ कोई सैलरी नहीं है, बल्कि सैलरी किसके लिए होती है यहाँ? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, जो कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही वर्क करते हैं, उनकी सैलरी होती है 1.25 लाख। सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं तब उनकी सैलरी कितनी होगी? तो ही विल गेट द सैलरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि उन्हें उस वक्त एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं माना जाएगा, उस वक्त उन्हें प्रेसिडेंट ही माना जाएगा और सैलरी भी 1.5 लाख, क्योंकि प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, वही ली जाएगी। कैन नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? यस, फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। यानी कि जो नॉमिनेट पर्सन रहते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जो भी पर्सन नॉमिनेट रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या वो इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के कर सकते हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इज नाइदर एन इलेक्टेड नॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट बीइंग अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन ही कास्ट वोट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट
ना तो इलेक्टेड ना तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एज अ चेयरमैन क्या ये वोट कर सकते हैं? तो यस, द चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एनी इक्वालिटी ऑफ वोट्स। यानी कि जब वोट्स में इक्वालिटी आ रही है, समानता नहीं हो रही है, तब चेयरपर्सन को ये अधिकार है कि वो वोट कास्ट कर सकता है। हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जाता है, इसके लिए क्या प्रावधान है? सो वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड अग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल, बट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ हिज क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का ये प्रावधान है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स द्वारा यहाँ पर मेजोरिटी से जो बिल पास होता है, जो अग्रीड होता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से विद इन 14 डेज, उसी के हिसाब से यहाँ उन्हें हटाया जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पर इन्हें रिमूव किया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ आर्टिकल 67B में देखने के लिए मिलता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 67B बताता है, अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। देन मेंबर्स से आप क्या समझ रहे हैं? तो देन मेंबर्स का एक सिंपल सा फंडा ये है कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर उस समय 245 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 45 सीट्स क्या हैं, वैकेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर कितने मेंबर्स वोट करेंगे? अब यहाँ 200 मेंबर्स वोट करेंगे। तो अगर आपको ये बिल पास कराना है तो आपको कितने वोट्स की ज़रूरत है? एटलीस्ट 101 वोट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो देन मेंबर्स इसलिए कहा गया है कि यानी कि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, अगर 245 सीट्स होती हैं लेकिन 45 वैकेंट्स हैं, तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स 200 है, तो हमें जो भी वोट चाहिए वो 200 के आधार पर चाहिए। तो उस हिसाब से जो रेजोल्यूशन पास होता है उसी से इन्हें हटाया जा सकता है। इट कैन बी सेड द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर्स एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा है उसमें एक इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत है और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। सिंपल मेजोरिटी से भी यहाँ पर बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन को कवर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।